एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। एक नौजवान की उस पर नजर पड़ी। नौजवान का नाम भी नहीं लूंगा, हालांकि नाम जहन में लेकिन नहीं लूंगा। नौजवान की नजर पड़ी उस पर, एक नौजवान की। और उस जवान ने, जैसे आजकल के लड़के फिक्रे पास करते, डायलॉग बाजी करते, ऐसे उस नौजवान ने भी, वो भी बहुत खूबसूरत थे वो जवान, उन्होंने डायलॉग कहा कि कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखें झील सी लगती है, इस झील में उतर जाने को दिल चाहता है। ये जुमले देखिए, रोमानियत हर दौर में रोमानियत रही है, इश्क मोहब्बत का मिजाज हर दौर में रहा है, लेकिन जिनके दिलों के कनेक्शन गुंबदे खजरा के मकीन से जुड़े रहे हैं, इसलिए कि याद रखना, इश्क बागैरत होता है, कभी बेगैरत नहीं होता। इस एक दिल में कितनों को जगा दोगे यार, जब धूप और छाव जमा नहीं हो सकते, सर्दी गर्मी जमा नहीं हो सकते, ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते, तो पिक्चर का हीरो और गुंबदे खजरा का मकीन एक दिल में कैसे जमा हो सकता है। इश्क के दावेदार भी हो, इश्क के रसूल के दावेदार भी हो, और किस किस खान साहब को दिल में बसा रखा है। बाल रखे तो उनकी तरह, चले तो उनकी तरह, बैठे तो उनकी तरह, सर मुंडाए तो उनकी तरह, अब तो अजीब बाल मुंडा रहे हैं, मुंबई तक जाते हैं बाल कटाने के लिए, साइड का पूरा जो है वो टकला होगा और ऊपर जो है वो सर के बाल होंगे। पता है आपको, हंसने की बात नहीं है, मेरे दिल का दर्द है, वल्लाह कह रहा हूं। ये आप तारीख उठाकर पढ़े, 350 साल पहले इस तरीके से गधों के बाल रखे जाते थे, नीचे से तराशा जाता था और ऊपर से उनके बाल होते थे, इसलिए कि ये गधे आवारा गधे नहीं है, बल्कि ये किसी की मिल्कियत में इस निशानी को लगाने के लिए, गधों को, ऊंटों को, उन लोगों को, कि ये आवारा नहीं है। वो गधे जो आवारा नहीं थे, ये उनकी निशानी थी, और आज ये आवारगी की निशानी बन गई। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने सरों पर बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे। जब तुम देखना तो समझ जाना कि कयामत करीब आ गई। कहा जा रहा है, हुजूर की सुन्नत पसंद ना आई, जिसको कुदरत ने अपने दस्त कुदरत से सवारा हो, जिसके बालों को, जिसके अबरू को, जिसके रुखसार को, जिसकी दाढ़ी को, जिसके सीने को, जिसके हाथों को कुदरत ने अपने दस्त कुदरत से सवार कर पैदा किया और शाहकार कुदरत बनाकर जिसको भेजा हो, उसकी अदाओं को छोड़कर किस किस की अदाओं की तरफ जाओगे। आओ उसके तरीके की तरफ, जिसका तरीका अल्लाह तक पहुंचा देता है, जिसका तरीका दिलों को करार अता करता है। तो बहरहाल उस जवान ने कमेंट पास किया, फितरा कहा कि कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें, दिल चाहता है कि झील सी आंखों में उतर जाऊं। आजकल की कुछ लड़कियां, सबकी बात नहीं कहता, आज भी नेक बच्चियां मौजूद है, वो अपने ऊपर न ले, लेकिन कुछ लड़कियां होती मगरिब ज़दा, फिल्में देखने वाली, सीरियल देखने वाली, तो मटक जाती, गर्दन हिलाने लगती, झुरझुरी देने लगती। मगर कुर्बान, उस लड़की ने कहा मेरी आंखें अच्छी लगी, कहा बहुत खूबसूरत है तेरी आंखें, रुकना अभी आती, रुकना अभी इलाज करती हूँ। घर गई, चाकू लिया, आंखें काटी, और आंखें काट करके एक तश्त में रखा, एक चिट्ठी लिखी कनीस को, हालांकि आंख काटने से पहले चिट्ठी लिखी गई थी, चिट्ठी लिखी कनीस को, दे दिया कि वो लड़का वहां खड़ा है उसको दे दे। जब जब कनीस तश्त लेकर आई, कपड़ा डाल के, तो कहा तोहफा आया है। नौजवान खुश हुआ, चले पहली मोहब्बत का निशाना, तीर जो निशाने पर लग गया, तोहफा भी आ गया। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा दो कटी हुई आंखें थी और एक चिट्ठी थी, और उसमें लिखा हुआ था, जो आंखें मर्दों को मेरी तरफ मुतवज्जे करके मेरे फितने में मुब्तिला करे, ऐसी आंखों को मैं अपने माथे में रखना पसंद नहीं करती। अंधी बनकर रहना मुझे गवारा है, मगर पापी बनकर रहना मुझे गवारा नहीं है। ऐसी लड़कियां थी हमारी, ऐसी बेटियां थी हमारी। आप मुझे बताएं आज क्या होगा, क्या हो रहा है,